स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और प्लीज कमेंट किया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं फालतू में बक बक कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है x प्लस वाई इक्वल्स टू है डब्ल्यू प्लस जेड प्लस जेड के, तो प्रूव करना है ए ओ बी इज लाइन। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो लीनियर पेयर होता है उसको हम लाइन बोलते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे पूछा है प्रूव करने के लिए कि ए ओ बी एक लाइन ही है ना। यहाँ पे ए ओ बी एक लाइन है। अब देखो एक्स प्लस वाई मतलब ये पूरा एंगल एक तरीके से, और डब्ल्यू प्लस जेड ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो हम मान सकते हैं कि 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और ये एक लाइन 180 और ये एक लाइन 180 दोनों मिला के 360 डिग्री हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू है 360 डिग्री के, मैंने आपको समझा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू है डब्ल्यू प्लस जेड के, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हम डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मतलब कि x प्लस वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस इसकी जगह यही फिर से लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट? क्योंकि जब दोनों चीजें बराबर है तो इसकी जगह चाहे ये लिख दो, इसकी जगह चाहे ये लिख दो, बात वही हुई। तो हमने x प्लस वाई दोनों लिख दिए, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 2x plus y equals to 360 डिग्री। अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, तो आंसर आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री आ गई तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस ए एंगल ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया फिर से समझा दूं, यहाँ पे हमें लाइन बताना है, प्रूफ करना है। वैसे भी लीनियर पेयर होता है तो 360 डिग्री का होता है, तो x प्लस वाई ये दोनों एंगल और w प्लस जेड बराबर है, तो हमने देखा जब ये बराबर है तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो, दोनों मिलकर 2xy हो गया, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 360 डिग्री है, 360 डिग्री होने की वजह से 2 इसको डिवाइड करेगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो जब भी 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो वो एक लाइन है, लाइन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 6 भी करेंगे।